नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। हॉट स्ट्रिप मिल कर्मचारियों के सृजनशील प्रयासों से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। स्टील टाउनशिप के गृहिणियों के लिए अग्नि एवं गैस सुरक्षा कार्यशाला आयोजित। और रौरकेला स्टील प्लांट के इस्पात विद्या मंदिर में वार्षिक विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। रौरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल कर्मचारियों के अभिनव विचार और सृजनशील प्रयासों से कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की पर्याप्त आवर्ती बचत करने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि हॉट स्ट्रिप मिल में 2 वॉकिंग बीम रीहीटिंग फर्नेस हैं, जिनमें स्लैब उचित हीटिंग सोकिंग के साथ साथ सुचारू रोलिंग के लिए चार्ज किए जाते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण रीहीटिंग फर्नेस के अंदर स्लैब पर स्केल्स बन रहे थे और वाटर ट्रफ में गिरते थे। फर्नेस ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए वाटर ट्रफ में स्केल संचय को हटाना आवश्यक हो गया था। पहले 40 मीटर की दूरी तक हाथों से हटाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत देरी लगती थी और उत्पादन में हानि होती थी। इस समस्या को खत्म करने के लिए बनी टीम में शामिल विभाग के उप महाप्रबंधक श्री बी आर कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक श्री एन मोहालिक, सहायक प्रबंधक श्री सी दास, सभी सहायक रोलर श्री ओ के नायक, श्री आर सी महंत, श्री पी के पात्र, श्री ए के विश्वाल, श्री एम एक्का, श्री के गोप, श्री आर मुदुली, श्री डी पशायत, सभी वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री बी मुर्मू, श्री ए किस्पुट्टा, श्री सी जेना, डो ऑपरेटरों श्री बी जेना और श्री ए दीप ने समस्या का समाधान करने का कार्य को हाथों लिया। ग्रुप में मौजूदा 40 मीटर से एक प्रबंधनीय स्थान पर फ्लशिंग पॉइंट की दूरी को काफी हद तक कम करने का फैसला किया। उपलब्ध घरेलू संसाधनों का उपयोग करके ग्रुप में एक वाल्व के साथ 150 मिलीमीटर व्यास 3 मीटर लंबाई की एक पाइप की व्यवस्था की। इसे वाटर ट्रफ के पास लगाया गया, जिसे स्केल के संचालन की दूरी को 10 मीटर तक घटा दिया। इसने सोकिंग क्षेत्र में संचय को खत्म करने के लिए प्रत्येक शिफ्ट के दौरान वाल्व के समय पर 2 बार आसानी से खुलना सुनिश्चित किया। इस सुविधा के कार्यान्वयन से सोकिंग जोन के वाटर ट्रफ में स्केल का जाम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इससे फर्नेस की दक्षता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर गुणवत्ता रोलिंग और बेहतर उत्पादकता प्राप्त हुई। इस प्रक्रिया ने पानी रिसाव को बंद कर सुरक्षित कार्य परिवेश भी सुनिश्चित किया। इन सभी से कंपनी के लिए लगभग 1.35 करोड़ रुपए की पर्याप्त आवर्ती बचत हुई है। इंडियन गैस के सहयोग से अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा स्टील टाउनशिप के गृहिणियों के लिए 9 दिसंबर को सेक्टर 19 कम्युनिटी सेंटर में अग्नि एवं गैस सुरक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरएसपी के सहायक महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री जेबी पटनायक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रसन्न कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कुल 50 गृहिणियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान आग की रोकथाम और नियंत्रण एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में महिलाओं का वहनीय अर्थात पोर्टेबल आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग तथा घरेलू अग्नि सुरक्षा के साथ एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। आग के प्राथमिक रसायन पर सैद्धांतिक निवेश के साथ अग्निशमन तकनीकों पर प्राथमिक चिकित्सा की भी जानकारी दी गई। आरएसपी के अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा इस सत्र का आयोजन किया गया था। प्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री एम आई सोनकुसरे ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 का वार्षिक विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी 8 दिसंबर को संस्थान परिसर में आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी तथा विभागाध्यक्ष नगर सेवा श्री पी सी दास ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समारोह का उद्घाटन किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक नगर सेवा शिक्षा श्री बी के राउत सम्मानित अतिथि थे। कुतरा के सरकारी डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री अतनु कुमार त्रिपाठी समारोह के मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर संस्थान के विद्यार्थियों ने लगभग 40 विज्ञान एवं कला की वस्तुएं प्रदर्शित की, जिसकी अतिथियों ने सराहना की।
एचके राय महाविद्यालय के बॉटनी के रीडर डॉक्टर सनातन प्रधान एवं वेदव्यास महाविद्यालय के रसायन विज्ञान के रीडर डॉक्टर चिंतामणि साहू इसके निर्णायक थे। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। प्रधान शिक्षयित्री एवं प्रबंधक शिक्षा विभाग श्रीमती पुष्पा खातून ने समारोह की अध्यक्षता की और अतिथियों का स्वागत किया। भौतिक विज्ञान की सुश्री आरती सिंह ने समारोह का संचालन किया एवं बॉटनी विभाग की सुश्री सीमा महंत ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।